नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मां तुझे प्रणाम योजना। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश की लाडली लक्ष्मी देश की सीमा का भ्रमण करेंगी। वहीं आपको बता दें कि वाघा बॉर्डर के लिए 196 बेटियां रवाना होंगी। तो आज से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में योजना शुरू होने जा रही है। मां तुझे प्रणाम योजना की शुरुआत आज से होगी, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। प्रदेश की लाडली लक्ष्मी देश की सीमा का भ्रमण भी करेंगी। 196 बेटियां रवाना होंगी वाघा बॉर्डर के लिए। 2013 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोविड के चलते पिछले कुछ सालों से ये योजना बंद थी। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी अमृतांशी। कितने बजे शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना का करने वाले हैं और कैसे कैसे रवाना होंगी 196 बेटियां, क्या स्केड्यूल तैयार किया गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोविड की लहर थम चुकी है और कोविड की रफ्तार में धीमी हो गई है कोविड की रफ्तार, तो जो पुरानी योजनाएं हैं वो सरकार दोबारा शुरू कर रही है और इसी कड़ी में आज से माँ तुझे प्रणाम योजना भी दोबारा शुरू हो रही है। देखिए, जो योजना है इसमें इसका मेन जो हम कह सकते हैं मकसद ये है कि युवाओं के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो पैदा की जाए, कि वो देशभक्ति की तरफ, देश की तरफ उनका जो झुकाव है वो ज़्यादा रहे, और इसी के लिए इसका नाम दिया गया है माँ तुझे प्रणाम। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और कोविड के चलते ये बंद हो गई थी। आज दोबारा इसकी शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज खुद आज राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन से 11 बजे इस जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होने वाली है, और खास स्केड्यूल तैयार किया गया है क्योंकि 196 लड़कियां हर जिले से मध्य प्रदेश के जाने वाली हैं वाघा बॉर्डर की सैर करने। देखिए, लाडली लक्ष्मी महोत्सव की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में आज से हो रही है। 2 से लेकर 11 तारीख तक लाडली लक्ष्मी महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत 196 लड़कियों को वाघा बॉर्डर की आज सैर करवाने के लिए जो हरी झंडी है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाने वाले हैं। इस बार लड़कियां जा रही हैं लाडली लक्ष्मी महोत्सव के तहत जो वाघा बॉर्डर है वहां की सैर करने, क्योंकि जो पराक्रम हमको देखने को मिलता है वाघा बॉर्डर पर इंडिया का पाकिस्तान का, जो उनके बीच होता है जो कि काफी ही रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, तो इस बार पहली बार ऐसा ये तय किया गया है कि लड़कियां जाएंगी, वो भी वाघा बॉर्डर की सैर करने जा रही हैं। मैं बता दूं कि अलग अलग जिलों से, भोपाल से 20 लड़कियां, सीहोर से 3 लड़कियां, इंदौर से भी कई लड़कियां, छोटे छोटे जिलों से कई लड़कियां जाने वाली हैं वाघा बॉर्डर की सैर करने, और सीएम शिवराज खुद आज इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि कोविड काल में कहीं ना कहीं ये बंद हो गई थी। बिल्कुल, ये योजना प्रभावित हुई थी और उसके बाद इसकी शुरुआत हो रही है और व्यवस्थाएं जाहिर सी बात है कि कर ली गई होंगी। अमृतांशी, आप बने रहिए। यहाँ एक और खबर का रुख करेंगे। खरगोन में आज और कल पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ, दोनों धर्मों के बड़े त्योहारों को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाएंगे लोग घर पर, वहीं एहतियात बरतने के चलते प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि चूंकि ईद भी है और ईद के मद्देनजर भी ये जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। कई दिनों से कर्फ्यू में छूट मिल रही थी, दिन में मिल रही थी ये छूट, लेकिन आज और कल यानी कि 2 दिन कर्फ्यू पूरी तरीके से लागू रहेगा। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को हालांकि थोड़ी सी छूट जरूर मिलेगी, उनके लिए पास जारी किए जाएंगे। चलिए सीधा रुख करेंगे अमृतांशी का। अमृतांशी, 2 दिन का कर्फ्यू खरगोन में। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का मामला सामने आया था, तो अब जो 3 बड़े त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, कल जैसा कि ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, तीनों हैं, दोनों ही धर्मों के बड़े त्यौहार हैं, तो प्रशासन ने एहतियात बरतने के कारण 2 दिनों का पूरी तरीके से कर्फ्यू जारी कर दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्फ्यू जारी किया गया है, ये जो धर्मों के समाजजन हैं उनके साथ बैठक करके ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी जिला प्रशासन ने और उन्हीं ने कहा है कि कर्फ्यू की ज़रूरत फिलहाल अभी खरगोन में बहुत है। देखिए, बड़े त्यौहार है, ईद भी जो है मुस्लिम वर्ग का बड़ा त्यौहार है, जो हिंदू वर्ग हम कह सकते हैं, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है कि आज और कल दोनों तरीके से कर्फ्यू पूरी तरीके से जारी रहेगा खरगोन में। लेकिन परीक्षा जो देने जाने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए पास जो जारी किए जाएंगे, कहाँ से पास जो है कलेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थी, इसके लिए क्या व्यवस्था की हुई है अमृतांशी?
जी देखिए, पूरी व्यवस्था इसके लिए की गई है। जिला प्रशासन ने पास बनवाए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं 10वीं और 12वीं के, तो खास पास बनाए गए हैं बच्चों के लिए उनके टाइम टेबल को देखते हुए, और बसें भी प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों को एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए। ये जो पास है ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गए हैं, खुद कलेक्टर और जो SP हैं वहाँ के, उन्होंने इन पास को बनवाया है। वहाँ से बच्चे ये पास ले सकते हैं और उनके लिए खास बसें भी संचालित की जाएंगी, तो वो पास के साथ और बस के साथ अपने एग्जाम सेंटर तक जा सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को अलग अलग दूर दूर एग्जाम सेंटर मिलता है और एग्जाम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो खास पास बनाए गए हैं। ये जो हिंसा हुई थी, इसके जो ये माहौल को बिगाड़ने का काम हुआ था, लेकिन अब माहौल कहीं ना कहीं शांत हो गया है। लगातार छूट भी दी जा रही है कर्फ्यू में, लेकिन बच्चों के लिए खास व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं। वो जा सकते हैं पास लेकर और अपना जो एग्जाम है वो शांतिप्रिय तरीके से देकर वापस आ सकते हैं। लेकिन किसी और को भी एग्जाम वाले बच्चे, एग्जाम देने वाले बच्चों के अलावा किसी और को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। लोग ईद की नमाजें भी घर पर पढ़ेंगे, परशुराम जयंती भी घर पर मनाएंगे, और जो शादी ब्याह के मामले हैं वो भी घरों में कम ही लोगों में देखे जाएंगे या फिर कहीं भी और देखे जाएंगे, क्योंकि जो हिंसा है वो काफी बुरी रही थी रामनवमी के दिन। प्रशासन ने देखी थी किस तरीके से वहां पर तस्वीर बदल गई थी, और उसके बाद लंबे समय तक यहां पर कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया था, धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, हालांकि बाद में छूट मिलती जरूर रही थी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के आंवली घाट पर आयोजित नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम में साधु संतों, नर्मदा भक्तों और गणमान्य जनप्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर प्रदेश की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं सीएम ने नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम में शामिल साधु संतों को सम्मानित भी किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे। साक्षीगण यहां तो देखो नर्मदा भक्त के रूप में करते हुए हैं। अब एक नाम जरूर होगा, सुहास जी हमारे बौद्धिक प्रमुख हैं, पधारे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, संत वृत्ति के साथ वैसे ही है वो। कमलनाथ ने मिशन 2023 के मद्देनजर प्लान तैयार करने शुरू कर दिए हैं। PCC चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक की, बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों के साथ ये बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि सरकार को घेरने की रणनीति इसमें बनाई गई है, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा आगामी दिनों में, उसको लेकर रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई गई। कमलनाथ ने नेताओं से जमीनी रिपोर्ट भी ली है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, गोविंद सिंह इस बैठक में शामिल हुए। अब एजेंडा तो अपने हिसाब से बनता है, सबके बना विचार करके आज सब डिस्कस करेंगे, उसके आधार पे वो पॉलिसी मेटर तैयार होगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं सब एक साथ रहें और फॉर्मूले पर काम। हाँ, सभी साथ हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब एक हैं, कांग्रेस ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक सब एक हैं, और 2023 का मिशन हमारा है, हम उसको अपना लक्ष्य मान के चल रहे हैं। कमलनाथ पर मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला। कर्ज माफी वाले बयान पर विश्वास सारंग ने तंज कसा है, हमला बोला है। कहा गया कि 15 महीने में कांग्रेस ने किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया, कांग्रेस ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। तो कमलनाथ पर यहां पर हमला बोला गया है। मंत्री विश्वास सारंग की ओर से कर्ज माफी वाले बयान पर विश्वास सारंग ने हमला बोला है, और ये कहा गया विश्वास सारंग की ओर से कि 15 महीने में कांग्रेस ने किसी किसान का कर्ज माफ नहीं किया, कांग्रेस ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। पंद्रह महीने में आपने एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि आदमी झूठ भी बोलता है, और शायद इसी को सफेद झूठ कहा जाता है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो तो कमलनाथ जी जो बोलेंगे वो हम हारने को तैयार हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के MP में कोयले की कमी, बिजली संकट को लेकर दिए बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कमलनाथ को 2003 के पहले का वक्त याद करना चाहिए, जब लोग कहते थे कि बिजली कब आएगी। आज मध्य प्रदेश में ट्रिपिंग की समस्या कम हो गई है। मंत्री प्रद्युमन ने कहा कि कमलनाथ राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में है, वहां लाइट कटौती के हालात बदतर है, जबकि मध्य प्रदेश में लोगों को बेहतर बिजली सेवा मिल रही है।
कमलनाथ जी को जो है ना सपना दिख रहा है 2003 का, जब लाइट चली जाती थी लोग चिल्लाते थे बिजली कब आएगी, राजस्थान में बिजली कहां गई, महाराष्ट्र में उनकी मिली जुली सरकार है बिजली कहां गई। अरे भाई पेपर देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम पावर क्वालिटी देंगे ये भरोसा देते हैं, हमारा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो हम आपको सुनिश्चित कर रहे हैं बिजली का कोई संकट मध्य प्रदेश में नहीं। मध्य प्रदेश के देवास कोतवाली थाना अंतर्गत एमजी कॉलोनी में प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया, जहां एक पक्ष के पिता पुत्र ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायरिंग कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जहां गोल्डी आजाद और रंजीत आजाद ने एक धमकाने के लिए हवाई फायर कर दिया। मामले में फरियादी अनिकेत सांगते की रिपोर्ट पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए अभी जो प्रारंभिक जानकारी ये मिली थी कि एक अनिकेत एक पक्ष और दूसरा पक्ष रंजीत और गोल्डी का पक्ष है, और इनके बीच में आपसी विवाद है मकान को लेके, संपत्ति को लेके, इस बात को लेके इनके बीच में हवाई फायरिंग होने की सूचना आई थी। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है अनिकेत की तरफ से रंजीत और गोल्डी के विरुद्ध, चूंकि उन्होंने एक वीडियो भी पेश किया था, उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया। मुरैना से अब खबर, जहां डकैत कली गुर्जर के रिश्तेदार पर कार्रवाई हुई। कली गुर्जर के बहनोई के घर पर बुलडोजर चला, कली गुर्जर को संरक्षण देने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला दिया गया है बहनोई के घर पर। मुरैना नगर निगम ने जांच के बाद यह कार्रवाई की, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। तो मुरैना नगर निगम ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, तब जाकर ये कार्रवाई की गई। डकैत कली गुर्जर के रिश्तेदार पर कार्रवाई हुई है, संरक्षण देने के आरोप में दरअसल ये कार्रवाई की गई है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए बनकर सराफा व्यापारी को फोन से धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी ने विवाद का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। दरअसल ग्वालियर सिरोल थाना क्षेत्र के पौश टाउनशिप में रहने वाले सराफा कारोबारी शरद गोयल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए के नाम से अनजान नंबर से शब्द कहने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा था, ऐसे में पुलिस ने देरी न करते हुए तत्काल एक्शन लिया और फरियादी की शिकायत पर नंबर को ट्रेस करते हुए आरोपी को धर दबोचा। एक शरद गोयल निवासी डीवी सिटी के द्वारा यह शिकायत की गई है कि उसे किसी मोबाइल नंबर से श्रीमंत केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीए मिश्रा जी के नाम से उसके साथ में अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज कर धमकी दी गई है, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बाद में इसको आरोपी को आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया है और विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। जबलपुर में भू माफिया से तंग एक परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। परिवार के मुताबिक 2012 में सूदखोर अशोक पटेल से 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था, जिसके बाद माफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया। भू माफिया ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर 1.5 एकड़ जमीन बेचने का एग्रीमेंट करा लिया और बाद में 17 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। 10 साल बीत जाने के बाद भी इस परिवार की जमीन भू माफिया से कब्जा मुक्त नहीं हो सकी। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि दबंग भूमाफिया उन्हें धमकी दे रहे हैं। मेरी जमीन में अशु पटेल कुशवाहा जो असहयोग तत्व है और इसने मेरी जमीन पे 2011 से अभी तक कब्जा कर रखा है इसने, और न मेरे को 3 साल से कुछ पैसा देता है और मेरे को जैसे ही दुत्कार के भगा देता है। और मेरी औरत को बोला उसने कि तुम पैसा लेने आओ तो मैं काट के फेंक दूंगा। कटनी में पुलिस कर्मी पर पड़ोस में रहने वाले परिवार की महिला और बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मामला सिरहनी क्षेत्र का है, जहां बच्चों के आपसी झगड़े को लेकर पुलिसकर्मी विनोद चौधरी ने पड़ोस में रहने वाले परिवार की महिला और बच्चियों पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मी पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। विनोद
पुलिस वाले के लड़का मेरे लड़के को मारा 3-4 झापड़, तो लड़की ने समझाने कहीं क्यों मार रहे हो, तो विनोद आया तो तीनों लड़कियों को मारा, पत्नी को मारा, बोले पुलिस वाला हूँ और उसकी पोस्टिंग बरही में है, आज कुछ करना हो कर लेना, तो उसके छाती में लात आत मारा है। कितने लोग मारपीट किए हैं? 3 लोग रहे मारपीट करने में। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक युवक ने गर्लफ्रेंड के घर के सामने खुद को जिंदा जला लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड 2 दिन पहले उसे छोड़कर चली गई थी। इसी बात से वो काफ़ी परेशान चल रहा था और उसे मनाने के लिए उसके घर जा पहुँचा, जहाँ उसने कई बार गर्लफ्रेंड को आवाज़ लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया। 2 दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर चाकू से हाथ काटते हुए वीडियो भी शेयर किया था और अब उसके बाद ऐसा कदम उसने उठा लिया। विदिशा में आजाद अध्यापक संघ ने पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने अध्यापकों को गणेश मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया। भीषण गर्मी के बीच हजारों अध्यापक सरकार के खिलाफ लामबंद हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। अध्यापकों ने मंदिर दर्शन करने से रोकने को लेकर भी अधिकारों का हनन बताया है। आजाद अध्यापक संघ ने सरकार से उनकी सभी मांगें जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है। मंदिर तक पूजन करने नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ पर हमें रोक दिया गया है। हमने कहा है कि हम लोग सभी जाएंगे वहाँ पर और जितने भी आप चाहें 2-5-4 लोग जितने की अनुमति देंगे हम उतने लोग पूजा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रोका जा रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा सा दुख का मामला है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर पहले भी भरोसा करते थे, आज भी भरोसा करते हैं। ये बात है माननीय मुख्यमंत्री जी तक शासन प्रशासन ये क्यों कर रहा है, हमें गणेश जी की पूजा करने से क्यों रोक रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात जाना चाहिए। बहुत संख्या में आज़ाद शिक्षक संघ के लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनको चूँकि वहाँ पे मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है और उनकी सेंटिंग खुल रही थी, इसलिए इन लोगों से 5 लोगों को वहाँ पे जाके एक एक करके दर्शन करने का अलाउ कर रहे थे, बट ये लोग इकट्ठे सभी लोग एक साथ जाना चाह रहे थे, जिस कारण इनको समझाइश दी गई कि अगर आप लोग को दर्शन करने जाना है तो आप एक एक करके जा सकते हैं, जिसको इनके द्वारा सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले शहडोल एडीएम अर्पित वर्मा का एक बार फिर से सुर्खियों में रहने का मामला सामने आया है। दरअसल अर्पित वर्मा ने बुंदेलखंडी भाषा में छुट्टी का एक आवेदन अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, जिसे स्कूली बच्चों द्वारा अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए दिए जाने वाले आवेदन की तरह लिखा गया है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। IAS अर्पित वर्मा के इस पोस्ट को अब तक 8,000 से ज़्यादा लोग लाइक भी कर चुके हैं। डिंडोरी में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश संयोजक पंकज सिंह मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का यह रोड शो डिंडोरी के मुख्य मार्ग से होकर गुजरा, जिसके बाद अवंतीबाई चौक पर स्थित बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन किया गया। पंकज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। पंकज सिंह ने 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। जनता इन दोनों पार्टियों से आज नाराज है। मैं सभी जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूं। जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से बेहद नाराज है, यहां विकल्प की तलाश में है और आम आदमी पार्टी अपने कामों के आधार पर, जनता के मुद्दों पर संघर्ष के आधार पर 2023 में मजबूत और ठोस विकल्प बनने जा रही है। और ट्रॉले में भीषण आग लगने की खबर शिवपुरी से सामने आ रही है। ग्वालियर की ओर ये ट्रॉला जा रहा था और उसी दौरान रास्ते में भीषण आग लग गई। इसमें ट्रॉले के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई है। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और ये देखिए भीषण आग इस ट्रॉले में लगी। आपको बता दें कि ट्रॉले का जो ड्राइवर था उसने भागकर अपनी जान बचा ली। ट्रॉले में भीषण ये आग लगती हुई तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं और साथ ही ये भी आपको जानकारी दें कि ये जो ट्रॉला था वो ग्वालियर की ओर जा रहा था।
शहडोल में मजदूर दिवस के मौके पर सफाई कर्मचारियों ने सीएमओ को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका सीएमओ के प्रताड़ना से तंग आकर सफाई कर्मचारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मियों ने सीएमओ रवि करण त्रिपाठी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। सफाई कर्मी जहां एक ओर सीएमओ को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सीएमओ रवि करण त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। मजदूर दिवस के दिन आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी सबसे पहली मांग है जो रवि करण त्रिपाठी जो भ्रष्ट सीएमओ है नगर पालिका के अंदर, आज 13 से 14 वर्ष से इस निकाय पे आज ये यहाँ पर पदस्थ है और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कोई भी अगर धरना प्रदर्शन में बैठता है तो इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसको नगर पालिका से तत्काल हटाने का कष्ट करें, ये मुख्यमंत्री के नाम हमारा ये है। और नहीं तो हमारे ये कारण ये है कि ये सब सूर्य समस्त कर्मचारियों को गाली देता है। दतिया में 4 मई को मनाए जाने वाले गौरव दिवस को लेकर रैली निकाली गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। बता दें कि गौरव दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने 4 मई को अवकाश भी घोषित किया। बड़वानी में जन जागरण मंच की अगुवाई में डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया। धर्म परिवर्तन कर चुके अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की पात्रता सूची से बाहर करने की मांग की गई। जन जागरण मंच के मुताबिक भारी तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो कि गलत है। जो जनजाति समाज की जीवन पद्धति छोड़ देता है, जो धर्मांतरित हो जाता है, वो व्यक्ति भी आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ लेता था। समाज के लोगों की ये मांग है, मेरे आदिवासी समाज की और सभी समाज के लोगों की ये मांग है कि अब जब भी कोई धर्मांतरित होगा तो उसे जनजाति समाज के मिलने वाले लाभों से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो जनजाति रहा नहीं तो उसको लाभ का अधिकार भी नहीं है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।